Before going to start this video, I have one question for you. Who loves you most in this world? Definitely, it's your mother. When you cry, when you are in pain, and when you shout, or when you are happy, it's always your mother who receives you with comfort and passion. Hello and welcome you all in this book reading session. Today we will discuss about the story. In this story, we will discuss different hunters who hunt a baby elephant and how her mother revenged it. Let's discuss it in our story. Elephant eaters, hathi khane wale. A group of men, kuch logon ka group, had been on the road. Wo ek raste pe the, ek sadak pe the, in India, Hindustan mein, for days without food or water, bina kisi kisam ke khane ya pani ke. Unfamiliar with the terrain, अब terrain का मतलब होता है land, territory, खित्ता या इलाका उसे कहेंगे. They were covering और इस बात से बेखबर वो किस इलाके में हैं and unable to feed themselves और वो अपने आप को कोई खाना भी नहीं दे पा रहे थे, यानी कि वो कोई खाने पीने का उनके पास सामान नहीं था. They became desperately undernourished. Desperately का मतलब होता है मायूसी की हालत में, in despair. और हम लोग अंडर नरिश की बात करें तो अंडर नरिश का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाना खाना ना मिलने की वजह से, स्टार्व्ड हो जाना या अंडर फीड होना. तो वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि खुराक नहीं मिली थी उन्हें, खाना खाने को नहीं मिला, तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो रहे थे. नेवरदलेस, फिर भी बहरहाल, दे कंटिन्यूड ऑन देयर जर्नी और उन्होंने अपनी जर्नी को जारी रखा, अपने सफ़र को जारी रखा. फैमिश्ड, फैमिश्ड का मतलब होता है भूखा होना, स्टार्व करना. एंड डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है घबराया होना, परेशान होना, वरिड या अपसेट करना होना भी इसको कहेंगे. तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भूखे थे और परेशान भी थे क्योंकि खाना उनको नहीं मिल रहा था. बट डिटर्मेंट, लेकिन फिर भी वो उस बात पे जो है वो डिटर्मेंट रहे, अपने उस काम पे चलते रहे. टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, लेकिन वो इस बात पे साबित कदम रहे कि वो अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन, जो उन्होंने मंजिल बनाई हुई है, उस मंजिल तक वो लाजमी पहुँचेंगे. इन अ ट्विस्ट ऑफ लक, और ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ, मोड़, स्पिन, ठीक है. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक किस्मत के एक मोड़ पे, अ लर्नड मैन, एक पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे एक तजर्बाकार इंसान, हु हैड ट्रेवल्ड इन द एरिया मैनी टाइम्स बिफोर, जो कि उस इलाके में बहुत पहले भी कई मरतबा चल चुका था, एंड वॉज फेमिलियर विद द वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन, और वो उस इलाके के जो जंगली जानवर है उनसे भी वो आगाह था कि उस रीजन में, उस इलाके में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं. हैपन टू क्रॉस द पाथ, वो उनके रास्ते में, उनके पाथ में आ गया. अब यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक लोग थे जो हिंदुस्तान में एक सफ़र कर रहे थे, एक जंगल में थे, और उनको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था और उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था. तो वो देख रहे थे कहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाए. तो जब वो अपने रास्ते पे थे तो उनको एक आदमी मिला जो उस इलाके का था, और उसने उनको बताया कि मुझे इस इलाके के जंगली जानवरों के मुतालिक पता है. लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द क्लोथिंग, और उसने जब उनके कपड़ों की हालत देखी, एंड द पेल फेसेस, पेल का मतलब होता है जर्द पड़ जाना, लाइट कलर्ड हो जाना, और जब उसने उनके जर्द हुए हुए चेहरे देखे, ही क्विकली कंक्लूडेड, तो उसने साथ ही ये नतीजा निकाल लिया, दैट दे वर हंग्री स्ट्रेंजर्स, कि वो अजनबी काफ़ी भूखे हैं. एंड फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है इसरार करना, फोर्स करना, ड्राइव करना. टू वॉर्न देम अबाउट द एलिफेंट दैट रोम इन द लैंड, अब रोम करने का मतलब क्या था, घूमना, स्ट्रे करना या प्रोल करना. अब वो जैसे ही उसको पता चला ये अजनबी काफ़ी भूखे हैं, तो उसने उन्हें बताया, काफ़ी इसरार करके उसने उन्हें तनबीह की, वार्निंग दी, कि इस इलाके के अंदर तो हाथी भी घूमते हैं. ग्रीटिंग माई गुड मैन, अब उसने उनको सलाम किया कि ऐ अच्छे लोगों, आप लोगों को सलाम. आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड, मैं देख सकता हूँ तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो, एंड हंग्री, और तुम लोगों को भूख भी लगी हुई है. फॉर देयर नॉट मच प्रे इन दिस पार्ट, क्योंकि इस इलाके में शिकार इतना ज़्यादा है नहीं है. प्रे का मतलब होता है शिकार. ही कमेंसरेटेड, अब कमेंसरेट करने का मतलब होता है तर्स खा के,
कहना, हमदर्दी में कहना, ऑफर सिंपथी या एक्सप्रेस अ सिंपथी टू अदर्स। अब उसने कॉमिसरेट करके उन्हें कहा, हमदर्दी में कहा कि प्यारे लोगों, अच्छे लोगों, मुझे पता है कि तुम लोग काफ़ी थके हुए हो और भूखे भी हो, लेकिन इस इलाके में इतना शिकार ही नहीं है। बी वेयर द एलिफेंट्स रूम फ्रीली इन दिस एरिया, और आप लोग इस बात से होशियार हो जाओ क्योंकि इस इलाके में जो हाथी हैं वो बिल्कुल आज़ादाना घूमते हैं। एंड द यंग्स, और उनके जो बच्चे हैं, हु आर प्लम, प्लम का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होना, चबी होना, फैटी होना, और उनके जो बच्चे हैं जो कि ख़ुद भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, सम टाइम गेट सेपरेटेड फ्राम देयर मदर्स, वो कभी कभी अपनी माँ से दूर हो जाते हैं क्योंकि वो जब चल रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो वो थोड़े से दूर भी हो जाते हैं अपनी माँ से। एंड आर देन ईजीली गॉट, और जब वो अकेले होते हैं क्योंकि वो हाथी के बच्चे पकड़ने में आसानी होती है तो वो उनको पकड़ लिया जाता है, कुछ शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। यू मस्ट नेवर एवर ट्राई टू हंट एन एलिफेंट कॉफ, और तुम लोगों ने कभी भी किसी हाथी के बच्चे का शिकार नहीं करना, दो फॉर हिज मदर, क्योंकि उसकी जो माँ है विल फाइंड यू, वो तुम्हें तलाश कर लेगी, अगर तुम उसके बच्चे को पकड़ोगे तो वो तुम्हें किसी न किसी तरीके से तलाश लाजमी कर लेगी, नो मैटर हाउ मैनी माइल्स यू मे थिंक यू हैव ट्रेवल फ्राम वे यू हैव कॉट द कॉफ, और वो तुम्हें वहाँ से भी पकड़ लेगी, बेशक तुम यहाँ से मीलों दूर चले जाओ, यहाँ से काफ़ी दूर चले जाओ, लेकिन वो जो उसकी जो माँ है, एलिफेंट मदर है, वो आपको कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी और आपसे वो बदला लेगी। शी विल स्निफ, स्निफ करने का मतलब क्या होता है कि वो सूंघना, इनहेल करना, वो सूंघ लेगी आउट ऑफ हर चाइल्ड सेंट ऑन यू, वो अपने बच्चे की खुशबू तुम लोगों में से सूंघ लेगी। एंड शील ट्रैम्पल यू टू डेथ द मोमेंट शी कैचेज अप, और वो तुम लोगों को ट्रैम्पल करना, ट्रैम्पल करने का मतलब होता है रोंद देना, पैरों के नीचे कुचल देना, वॉक ओवर या थ्रेड करते हैं, वो तुम्हें अपने पाँव के नीचे कुचल देगी कि जिससे तुम्हारी मौत हो जाए। मार्क माई वर्ड, मेरे लफ्ज़ों को लिख के रख लो, मेरी बात को लिख के रख लो, स्टिक टू ईटिंग हर्ब्स एंड फ्रूट, बस अपने आप को जड़ी बूटियाँ खाएँ, हर्ब्स खाएँ, जड़ी बूटियाँ खाएँ और फल खाएँ, इफ़ यू फाइंड दैम, अगर वो तुम लोगों को मिलते हैं, लेकिन कभी भी हाथी के बच्चे को नहीं खाना। द एग्जॉस्टेड मैन लिसन टू द वाइज मैन वर्ड्स, अब वो जो सारे के सारे एग्जॉस्टेड हुए हुए थे सारे, उन लोगों ने उस अकलमंद इंसान की बात तो सुनी, थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया उसकी नसीहत का। एंड दे कंटिन्यूड ऑन देयर जर्नी, लेकिन उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको, सफ़र को जारी रखा। डेस्परेटली हंग्री, बहुत ज़्यादा वो जो है वो भूख का शिकार हो चुके थे। दे लुक्ड अंडर एवरी श्रब एंड इवन एवरी ट्री दैट माइट बी ए फ्रूट, और उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटियाँ देखी और हर उस दरख्त को देखा जिस पे शायद कोई फल हो सकता था। बट दे फाउंड नथिंग ईटेबल, लेकिन उनको कोई भी चीज़ खाने वाली ना मिली। सडनली, अचानक, वन ऑफ द मैन स्पॉटेड एन एलिफेंट कॉफ हु हैड बीन सेपरेटेड फ्राम हिज क्लैन, क्लैन का मतलब होता है कबीला, ख़ानदान, फैमिली, ट्राइब। अब अचानक से उनमें से एक आदमी ने देखा कि एक हाथी का जो बच्चा है, एलिफेंट काफ जो है, वो अपने कबीले से, अपने ख़ानदान से अलग है और अकेला घूम रहा है। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, द मैन एक्सेप्ट फॉर द वन हु हीडेड द वाइज मैन एडवाइस, उनमें से सारे आदमी सिवाय एक आदमी के जिसने उस अकलमंद आदमी की बात पर ध्यान दिया था, अटैक द यंग बीस्ट, उन्होंने उस बेचारे छोटे जानवर पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया। एंड फेसिंग मिनिमल रेजिस्टेंस, और उनको बहुत कम जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, रुकावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक छोटा सा हाथी था, वो बिना किसी लड़े हुए वो उनका शिकार हो गया, किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उन्होंने क्या किया, ऑन द स्पॉट उसी जगह पर उस बेचारे हाथी के बच्चे को कत्ल कर दिया। टू फैमिश टू लिसन टू द लर्न्स मैन वार्निंग, फैमिश का मतलब भूखा होना है, ठीक है। अब भूख की वजह से उन्होंने उस बात को भुला दिया कि उस आदमी ने क्या उनको तनबीह की थी, क्या वार्निंग दी थी उस तजर्बाकार इंसान ने कि आपने किसी भी सूरत में हाथी के बच्चे का शिकार नहीं करना। द मैन क्विकली स्टार्टेड अ फायर, अब उन लोगों ने उसी वक्त वहाँ पर आग लगाई। एंड कुक द प्लम एनिमल, और उस हटे कट्टे जानवर को जो है उन्होंने उसे कुक करना शुरू कर दिया, उसे पकाना शुरू कर दिया। फीस्टिंग ऑन हिज फ्लैश, अब फीस्ट करने का मतलब होता है दावत उड़ाना, और उन्होंने दावत उड़ाते हुए उसके जो है ना गोश्त से दावत उड़ाई, यानी कि उन्होंने उसको खा लिया।
हैविंग सेटिस्फाई देयर हंगर एट लास्ट, और आखिरकार उन्होंने अपनी भूख जो है उसको उस पर काबू पा लिया। दे वॉश देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों को धो लिया, एंड फेसेस इन द स्ट्रीम नियर बाय, प्रॉम्प्टली फेल अस्लीप ऑन द बैंक, और उन्होंने अपने हाथों को धोया, अपने चेहरों को भी उन्होंने नदी में धोया जो करीब बह रही थी, और साथ ही वो सो गए उसी के किनारे, क्योंकि जैसे ही भूख उनकी ख़त्म हुई, उन्होंने खा लिया तो उनको साथ ही नींद आ गई। द कॉन्शियंशियस मैन, अब वो ईमानदार आदमी, वो दयानदार आदमी, हु हैड नॉट, जिसने पार्टिसिपेटेड इन द स्लॉटर और टच अ मॉर्सल, मॉर्सल का मतलब होता है नवाला, बाइट ऑफ द फ्लैश, डिसाइडेड टू स्टे अवेक। अब वो एक दयानदार आदमी, वो एक अच्छा आदमी जिसने उस छोटे जो है जानवर को खाने में उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने उस बेबी एलिफेंट को नहीं खाया, अब उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो मैं यहाँ पे उठा रहता हूँ, गार्ड द कैंप, और मैं इस कैंप की हिफाजत करता हूँ। इंस्टिंक्टिवली, शायद फितरती तौर पे, नेचुरली फीलिंग दैट द वाइज मैन हैड नॉट वॉर्न देम विदाउट गुड रीज़न, शायद फितरती तौर पे उसके माइंड में ये आ रहा था कि उस बंदे ने जो हमें वार्निंग दी थी वो ऐसे नहीं दी थी, कोई ना कोई उसकी वजह लाजमी होगी। अब देखते हैं कि क्या कोई उसकी वजह भी थी या ऐसे ही वो बात बनी हुई थी। मीनवाइल, इसी दौरान द मदर एलिफेंट हैड बीन सर्चिंग एवरीवेयर, अब जो माँ होती है चाहे इंसानों की हो चाहे जानवरों की हो, उसका दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अगर आप किसी जानवर की भी बात करें तो वो भी, अगर मुर्गी भी है वो अपने परों में छुपा के रखती है, और इसी तरीके से जो शेर है, हाथी है, जो भी जानवर हैं वो अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं जब तक वो खुद बड़े ना हो जाएं और वो अपना शिकार खुद ना करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जो मदर एलिफेंट है, अब जब उसको महसूस हुआ कि मेरे बच्चा मेरे पास नहीं है, तो उसने उसे सर्च करना शुरू कर दिया, उसे तलाश करना शुरू कर दिया फॉर द यंग वन, कि वो उसका बच्चा कहाँ पर है। Growing more furious, अब वो कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा गुस्से में आती जा रही थी, furious होती जा रही थी, and exasperated, और वो कहते हैं exasperated होता है कि काफ़ी ज़्यादा खफा होना, नाराज़ होना, infuriated होना, anger हो रही थी by the minutes, और वक्त के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती जा रही थी। Sniffing everything with her long sturdy trunk, sniff करने का मतलब सूंघना होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। स्निफ कर रही थी एवरीथिंग विद हर लॉन्ग स्टडी ट्रंक, स्टडी का मतलब होता है सख्त जान, स्ट्रॉन्ग, वेल बिल्ट, और ट्रंक का मतलब होता है जो हाथी की सूंड होती है, नोज होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो अपनी हाथी अपनी जो है खुरदरी सूंड के साथ हर जगह को सूंघ रही थी ताकि उसे कहीं से उसके बच्चा मिल जाए, उसकी खुशबू मिल जाए। शी इवेंचुअली, आखिरकार डिटेक्टेड हर ऑफ स्प्रिंग सेंट इन द नियर डिस्टेंस, आखिरकार उसको अपने बच्चे की जो खुशबू है वो करीब से महसूस हो गई, एंड क्विकेंड हर स्टेप, और तेज़ी के साथ वो उस जगह पे पहुँची। इन द विंक ऑफ आई, पलक झपकते ही शी वॉज अपॉन द फेलन्स कैंप, फेलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जालिम, मुजरिम, क्रिमिनल्स, इवन, और आखिरकार वो उन जालमों के कैंप के करीब पहुंच गई। शी अप्रोच द वन मैन हु वाज अवेक, अब वो उस आदमी के पास पहुंची जो कि जागा हुआ था, वो कौन आदमी था जिसने उसके बच्चे को नहीं खाया था। एंड स्निफ हिम फ्रॉम हेड टू टो, उसने उससे सर से लेके पांव तक सूंघा, स्पेशली अराउंड हिज माउथ, और स्पेशली उसने उसके जो है वो माउथ से उसे सूंघा ताकि पता चल सके कि उसने उसके बच्चे को खाया तो नहीं है। टू सी इफ शी कुड डिटेक्ट द सेंट ऑफ हर बेबी, ताकि वो देख सके, ताकि वो महसूस कर सके कि उसके बच्चे की खुशबू तो नहीं उससे आ रही। द मैन वॉज इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब होता है बिल्कुल साकिन हो जाना, मोशनलेस हो जाना, स्टिल हो जाना, वो आदमी बिल्कुल साकिन हो गया। टंग टाइड विद फ्राइड, और वो खौफ से तो उसकी कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। शी सर्कल्ड हिम थ्री टाइम्स टू मेक श्योर शी हैड नॉट अ मिस्टेक, और वो कहती है उसने तीन मरतबा उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया ताकि उससे कोई गलती ना हो, देन पास्ड हिम विदाउट हार्मिंग, और फिर वो उसको बिना किसी किस्म के खतरे के, बिना किसी किस्म के अटैक के वो उसके करीब से गुजर गई। Quickly going to the other man sleeping a little farther away, और फिर उस आदमी की तरफ गई जो उससे थोड़ा दूर सोया हुआ था। She sniffed the first man's mouth, उसने पहले आदमी के मुँह को सूंघा, and immediately, और उसी वक्त smelled her baby, और उसी वक्त उसे अपने बच्चे की खुशबू आ गई, यानी कि उसने जो उस आदमी के मुँह को सूंघा तो उसे उसके मुँह से अपने बच्चे की खुशबू आ रही थी। Then crushed him under her foreleg, और जैसे उसने सूंघा कि उसके मुंह से उसके बच्चे की स्मेल आ रही है, यानी कि उसने उसके बच्चे को काट खाया है। Then
क्रश्ड हिम अंडर हर फोलेक्स, और उसने उसी वक्त अपनी जो अगली टांगे थे उससे उस बंदे को क्रश कर दिया। द साइज ऑफ अ स्टोन पिलर्स, के उसका जो साइज़ है, उसके जो पाँव का साइज़ है वो एक पत्थर के सतूनों के जितना था। तो उसने वो अपनी अगली टांगों से ज़ोर से जंप मारते हुए उस बंदे के ऊपर जंप किया अपनी लेग से, और उस बंदे को उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। थ्रोइंग हिम अप इन द एयर विद हर माइटी ट्रंक, और उसने हवा में उस बंदे को उछाल दिया अपनी उस बड़ी सूंड के से। ब्रेकिंग वर्चुअली एवरी बोन इन द बॉडी, ताकि उस बंदे की कहते हैं कि एक तरह के जिस्म के अंदर की एक एक हड्डी टूट गई इस तरीके से। देन शी अप्रोच द अदर वन, इसके बाद वो दूसरे आदमी की तरफ गई, हु हैड फीस्टेड ऑन हर चाइल्ड, जिसने उसके बच्चे को काट के पका के खाया था, उस पर दावत उड़ाई थी उसके बच्चे को काट के। एंड वन बाय वन, और एक एक करके सब्जेक्टेड देम विद द सेम एक्सक्रिएटिंग ट्रीटमेंट। एक्सक्रिएट करने का मतलब क्या होता है, तकलीफ दे, एगनिंग स्वेर, विदाउट शोइंग द लीस्ट साइंस ऑफ रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है निदामत, पछतावा, गिल्ट। और कहते हैं कि एक एक करके उसने उन सब के साथ इसी तरह का जालमाना रवैया रखा विदाउट एनी काइंड ऑफ रिमोर्स। कोई उसके दिल में ज़रा सा उनके लिए हमदर्दी नहीं आई, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसके बच्चे के बेचारे छोटे बच्चे को काट के उन्होंने उसकी दावत उड़ाई, उसका गोश्त खाया, तो वो उस पर क्यों जो है वो रहम करे, उनके साथ हमदर्दी करे। तो उसने उन तमाम बंदों को मार दिया जिस बंदे ने, जिन लोगों ने उसके बच्चे को काट के खाया था। When the last guilty man had been slaughtered, slaughtered का मतलब होता है शिकार करना, guilty का मतलब मुलजिम या मुजरिम। अब वो कहते हैं कि जब उसने आखिरी उस मुजरिम को, जिस बंदे ने उसके बच्चे को खाया था, उसको उसने कत्ल कर दिया, slaughter कर दिया, the mother elephant returned to the man, वो मदर एलिफेंट जो थी वो उसके पास, उस आदमी के पास वापस आई। किस आदमी के पास, हु हैड रिफ्रेंड फ्रॉम ईटिंग हर ऑफस्प्रिंग। रिफ्रेंड का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप कर लेना, जिसने उस बच्चे को, उसके बेटे को नहीं खाया था। शी ग्रेशियसली नेल्ट डाउन बिफोर हिम, वो बड़ी शुक्रगुजार होके उसके कदमों में बैठ गई, नेल्ट डाउन हो गई, इन वन क्विक सोप। सोप करने का मतलब क्या होता है कि बुलंदी से जब आप नीचे की तरफ आते हैं, रेड करते हैं या अटैक करते हैं, तो वो आराम से उसने अपनी जो है वो नीचे हुई, लिफ्टेड हिम विद हर ट्रंक, उसने अपनी सूंड के साथ उस बंदे को उठाया ऑन टू हर बैक and gallantly carried him to his final destination. Gallantly का मतलब होता है बड़े बहादुरी के साथ, civilized way में, ठीक है, courteous way में, बड़े उसने शफकत के साथ उस बंदे को उसकी final destination तक लेके गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक तजर्बाकार आदमी ने उनको पहले वार्न कर दिया था कि आप लोगों ने हाथी के बच्चे का शिकार नहीं करना, लेकिन कुछ लोगों ने उसका शिकार किया और उनके साथ जो हुआ वो आपने इस स्टोरी में पढ़ लिया है। अब इसके मोरल लेसन की तरफ जाते हैं। तो इसका पहला मोरल लेसन तो बड़ा ही सिंपलिस्टिक सा है, एज यू सो एज यू रीप, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अच्छाई करोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, बुराई करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। दूसरा इसमें मोरल लेसन हमें मिलता है माँ की मोहब्बत का, ठीक है। माँ की जो मोहब्बत है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, कोई भी है, तो माँ जो है वो माँ ही होती है, वो अपने बच्चों के लिए उसका दिल धड़कता है, वो उनके लिए हर अच्छा काम करने की सलाहियत रखती है, और अगर उनके बच्चे पे कोई जुल्म होता है तो वो उसके सामने डर के खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें माँ की मोहब्बत का भी पता चलता है। दूसरा इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा ये भी बात करेंगे कि कुछ बदले की आग भी होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग बिल्कुल बदले की आग में जलते हैं और वो दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं और अपना नुकसान तो उनका होता ही है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है। और तीसरा इसमें जो सफ़र है वो ये है कि जानवरों का भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माशरे में अपने शहरी, अपने इलाके और माहौल की हिफाजत करता है, और इनका जब एहसास होगा, इंसानों का तो हम लोग एहसास करते हैं, लेकिन जब हम जानवरों का, हम परिंदों का, यानी ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें, इन सब का एहसास करेंगे तो हमारा माशरा पहले से बेहतर हो जाएगा। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे कुरुबियाँ। कुरुबियाँ का मतलब है फरिश्ते, कि दर्द दिल के लिए तो इंसानों को पैदा किया गया है, वरना अगर अल्लाह ताला ने अतात ही हाली करवानी होती तो उसके लिए फरिश्ते उसके पास कम नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, ये बड़ी एक अच्छी स्टोरी थी। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.